राम भक्त है सबसे बड़े बजरंगी हनुमान, राम भक्त है सबसे बड़े बजरंगी प्रहार को इंद्रदेव के आप ना सह पाए, वज्र प्रहार को इंद्रदेव के आप ना सह पाए, मूर्छित होकर गिर गए सूर्य लखन लाल ने बनाए।
सबकी शिकंधाए राम लखन सिया खोज में जब की शिकंधाए मित्र तो सुग्रीव से आपने दी है कराय हनुमत आपने दी श्री राम ने मित्र का फर्ज निभाया बाली वध कर श्री राम ने मित्र का फर्ज निभाया सीता खोजने का बीड़ा फिर है सब ने उठाया प्रभु जी फिर है सब राम निशानी लेकर के आपने भरी उड़ारे राम निशानी लेकर के फिर आपने भरी उड़ारे आए लंकिनी राह में मार के घूम सामारे प्रभु जी मार के घूम सामारे सूक्ष्म रूप फिर आप तो अपना लिया बनाए सूक्ष्म रूप फिर आप तो अपना लिया बनाए बैठी थी जहां मात सिया अशोक वाटिकाए फिर तुम अशोक वाटिकाए राम निशानी दे कर के तुम माँ की धीर बधाए राम फिर आए मार गिराया अक्षय को भी मेघनाथ फिर आए मेघनाथ ने ब्रह्म फांस है आप पे दिया चलाए फिर तो आप पे आपकी पूंछ में फिर रावण ने आग है लगवाए आपकी पूंछ में फिर रावण ने आग है लगवाए फिर तो लंका रावण
मनोजवं मारुततुल्य वेगं जीतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए बाला बजरंग बली हनुमान जी की। भक्तजनों, जैसा कि आप और हम सब ये बात जानते हैं कि श्री हनुमान जी जैसा प्रभु श्री राम जी का भक्त न तो इस सृष्टि में कभी हुआ है और न कभी होगा। प्रभु श्री राम जी ने भी श्री हनुमान जी को भरत के समान अपना भाई बताया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि भक्त और भगवान यानी श्री हनुमान जी और श्री राम जी एक दूसरे के समक्ष युद्ध लड़ने भी आ गए थे।
जी हाँ भक्तों, सही सुना आपने, प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी आपस में युद्ध लड़ने एक दूसरे के समक्ष आ गए थे। ये वेदों में वर्णित कथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको ज्ञात होगा कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बहुत पावन होता है। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। कैसे युद्ध करन को आए, कैसे युद्ध करन को आए राम संग हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों की महासभा हो रही थी। कैवर्त देश का राजा सुकंत भी उस सभा में भाग लेने हेतु जा रहा था। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद ने दर्शन दिए। जब उनसे जाने का कारण पूछा तो सुकंत ने बताया, देवर्षि मैं संतों की सभा में भाग लेने जा रहा हूँ। तब देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, हे सुकंत, सभा में सभी संतों को प्रणाम करना, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जन्म से संत नहीं थे, पहले राजा थे बाद में संत बने हैं। ना जाने क्यों सुकंत ने उनकी बात को मान लिया और सभा में सभी संतों को प्रणाम किया, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। मुनि विश्वामित्र इस अपमान को सहन न कर सके भक्तों, और गुस्से में तम तमाते हुए अपने परम शिष्य प्रभु श्री राम जी के महलों में आ गए। जब प्रभु श्री राम ने क्रोध का कारण पूछा तो मुनि विश्वामित्र ने राम जी को ये बताया, तुम्हारे होते मेरा राम अपमान हुआ है, सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है, सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है, मेरे अपमान का बदला तुम्हें ही लेना होगा, सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा, सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। गुरु के मुख से बात सुनी तो, गुरु के मुख से बात सुनी तो राम हुए हैरान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। गुरुदेव का ऐसा क्रोध और ऐसे कड़वे वचन सुनकर पहले तो प्रभु श्री राम बहुत हैरानी में आए, परंतु गुरु तो गुरु ही हैं, उनका आदेश भला वो कैसे टाल सकते थे। इसलिए गुरु जी के चरणों में झुककर शपथ खाई, हे गुरुवर, आपका अपमान करने वाला अब जीवित नहीं रहेगा, सूर्योदय से पहले पहले उसका शीश काटकर यदि आपके चरणों में न चढ़ा दूं तो स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम की ऐसे वचनों की चर्चा तीनों लोकों में देवानल की तरह फैल गई। तीनों लोग प्रभु श्री राम के इस प्रण से थर थर कांपने लगे और राजा सुकंत उसकी तो हालत मानो क्या कहने। जब से उसने सुना कि प्रभु श्री राम उसका शीश काटने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, मारे भय के तीनों लोकों में मारा मारा फिर रहा था। उस घड़ी को याद कर रहा था जब उन्होंने देवर्षि नारद की बात को मान लिया। देवर्षि नारद के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिरकर पूछा, नारद जी आप ही के कहने से मैं इस मुसीबत में आया हूं, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। श्री नारद जी भी जानते थे कि राम जी अपने वचन से फिरते नहीं हैं, सो उन्होंने सुकंत के प्राणों की रक्षा का ये उपाय बताया। अंजनी माँ की शरण में सुकंत जी तुम तो जाओ, प्राणों की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। प्राणों की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। अंजनी महल में आया, चरणों में शीश नवाया, प्राणों की रक्षा हेतु वचन उनसे भरवाया। प्राणों की रक्षा हेतु वचन उनसे भरवाया। जाते रे प्राणों का रक्षण, जाते रे प्राणों का रक्षण, करे मेरा हनुमान। वेदों की गाथा बड़े महान, वेदों की गाथा बड़े महान। देवर्षि नारद के सुझाव पर सुकंत दौड़ा दौड़ा माँ अंजनी के महलों में पहुंचा। माँ अंजनी कुछ पूछ पाती इससे पहले चरणों में गिर गया और बोला, माँ मेरे प्राणों का रक्षण करने का वचन दीजिए। माँ अंजना द्वार पर आए भिक्षुक को कैसे लौटाती, सो बोली, जा ठीक है मैं वचन देती हूँ, तेरे प्राणों का रक्षण मेरा पुत्र हनुमान स्वयं करेगा। उधर हनुमान जी, राम जी, भरत, लक्ष्मण सभी सुकंत को तीनों लोकों में ढूंढ रहे थे। हनुमान जी भी सुकंत को खोजते खोजते अपनी माता अंजना के महलों में पहुंचे। माँ ने अंदर आते ही अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र हनुमान, अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खा कि जो बात मैं तुझसे कह रही हूँ वो तुझे निभानी होगी। माता की आज्ञा भला हनुमान जी कैसे टालते भक्तों, सो बिना सोचे विचारे प्रभु राम की सौगंध खा ली। तब माँ ने अपने पीछे छुपे सुकंत को बाहर निकाला और बोला, तुझे इसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी को काटो तो खून नहीं, जिस प्रभु श्री राम ने सुकंत को मारने उन्हें भेजा था, माता अंजनी उसी के प्राणों के रक्षण का वचन हनुमान जी से ले चुकी थी। अब हनुमान जी बहुत दुविधा में थे और उधर प्रभु श्री राम जी के गुप्तचरों को ज्ञात हो गया था कि सुकंत माता अंजनी के महलों में छुपा हुआ है। श्री राम जी अपनी चतुरंगी सेना लेकर अंजनी महल के बाहर आ गए, परंतु अपनी माता के वचनों का रक्षण करने हेतु श्री हनुमान जी भी सुकंत के प्राणों का रक्षण करने उसके सन्मुख ढाल बनकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने कोई हथियार नहीं उठाया भक्तों, बल्कि पद्मासन लगाकर सुकंत को अपने पीछे छुपा लिया और प्रभु श्री राम के नाम का जोर जोर से जाप करने लग गए। सुकंत थे पीछे बिठाए, श्री हनुमत राम को ध्याए, राम जी बाण चलाए, लौट के वापस आए। राम जी बाण चलाए,
राम से बड़ा तो भक्तों राम जी का नाम है। श्री हनुमत वंदन करते राम जी हैरान है। श्री हनुमत वंदन करते राम जी हैरान है। लक्ष्मण जी ने बाण ता छोड़ा, लक्ष्मण जी ने बाण ता छोड़ा, मूर्छित भय हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ा गया बाण हनुमान जी के हृदय में जाकर लगा। हनुमान जी हे राम कहते हुए धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। इधर हनुमान जी धरा पर गिरे तो उधर प्रभु श्री राम भी रथ से नीचे गिर गए भक्तों, और थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। सभी हैरान परेशान थे, ये हुआ तो आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर में प्रभु की तंद्रा वापस आई, बोले हे लक्ष्मण, जिस मेरे भक्त के हृदय पर तूने बाण मारा है उसके हृदय में तो मेरा ही वास है। चोट उसके हृदय को नहीं मेरे हृदय को लगी है। अपने भक्त हनुमान को घायल देखकर प्रभु श्री राम दौड़कर हनुमान जी के पास आते हैं, उनका शीश अपनी गोद में लिटाते हैं और आंख बंद कर उनके शीश पर हाथ फेरते जाते हैं। परंतु भक्तों, हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए थे, ये तो अपने भगवान को रिझाने की एक कला थी। जब श्री हनुमान जी ने देखा प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू हैं, नेत्र बंद हैं और उनके शीश पर हाथ फिरा रहे हैं, चुपके से सुकंत को अपने पीछे से निकाला और उसका शीश प्रभु के सन्मुख कर दिया। प्रभु ने उसके शीश पर भी प्यार से हाथ फेर दिया। बस फिर क्या था, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी खड़े हो गए और बोले, हे भक्तवत्सल, आपने इसके शीश पर हाथ धर दिया है, अब भला आप इसे मारेंगे कैसे। राम जी भी धर्म संकट में फंसकर ये सोचने लगे, भक्तों, ये मेरी शरण में आया इसे मारूंगा कैसे, गुरु के वचनों को मैं भला निभाऊं कैसे। गुरु के वचनों को मैं भला निभाऊं कैसे। उधर फिर विश्वामित्र जी युद्ध भूमि में आए, संग में नारद भी आए, देवों को संग में लाए। संग में नारद भी आए, देवों को संग में लाए। सुकंत से नारद जी बोले, सुकंत से नारद जी बोले, गुरु को करो प्रणाम। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। इधर सुकंत प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ा है, उधर प्रभु श्री राम दुविधा में हैं कि शरणागत की हत्या करें तो कैसे। के तभी मुनि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और अन्य देवी देवताओं सहित युद्ध भूमि में आ जाते हैं। नारद जी सुकंत को आदेश देते हैं, अपनी भूल का सुधार करो सुकंत, और गुरुदेव से क्षमा याचना करो। ये सुनते ही सुकंत गुरु विश्वामित्र के चरणों में पड़ जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। गुरु विश्वामित्र ने भी शरणागत की रक्षा करते हुए सुकंत जी को क्षमा का दान दिया। उधर हनुमान जी को प्रभु राम ने भूमि से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले, हनुमान, तूने अपनी भक्ति से एक बार फिर मेरा हृदय जीत लिया। गुरु से प्रभु श्री राम ने क्षमा मांगी
कि गुरुदेव मैं आपके वचन का पालन नहीं कर सका। परंतु गुरु ने कहा, राम तुम्हें ग्लानि में आने की आवश्यकता नहीं, जब मैंने ही सुकंत को क्षमा दान दे दिया फिर आप इसकी हत्या कैसे कर सकते थे। चारों ओर हनुमान जी की भक्ति की जय जयकार होने लगी। गुरु विश्वामित्र और समस्त देवी देवता गण एक स्वर में गा रहे थे, राम भक्त कोई हुआ ना होगा तुम जैसा हनुमान, राम भक्त कोई हुआ ना होगा तुम जैसा हनुमान। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से आप सब मेरे साथ बोलिए भक्तों, बोलिए भक्त और भगवान की जय। राम के नाम को गाते राम ही राम बुलाते, राम के चरण धूल से वो चंदन तिलक लगाते, राम के चरण धूल से वो चंदन तिलक लगाते, सीने को चीर दिखाते प्रभु का दर्श कराते, महावीरारण धीरा राम चरणों को ध्याते, महावीरारण धीरा राम चरणों को ध्याते। राम भक्त कोई हुआ न होगा, राम भक्त कोई हुआ न होगा तुम जैसा हनुमान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। अंजनी के प्यारे पवन पुत्र है देव,
प्यार के कारण वो दर दर धक्के खाए, लेकिन उसको नौकरी कहीं न मिलने पाए, पैसे सारे खत्म हुए, नहीं किराया पास, अब उसको रोजगार की आगे नहीं थी आस। खुद को कोस अगले दिन जब सुबह उठा, किया था पूजा पाठ, रोता था वह फूट कर हनुमत प्रतिमा पास।
दुख की ढल गई, आया उसको ज्ञान। करनी सिफारिश जो आए वो थे श्री हनुमान। राम की आज्ञा पा करके किया था सब ये काज। हनुमान जी रखते सदा अपने भक्त की लाज। अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। भक्त जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मेरे श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। जैसे कि बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना हो, जैसे कि गरुड़ जी को लाकर श्री राम और लक्ष्मण के प्राण बचाना हो, जैसे अहिरावण का अंत कर प्रभु के प्राणों की रक्षा करनी हो, जैसे सागर लांघकर लंका जलाकर माता सीता की सुधि को लाना हो,
ऐसे ही अनेक अनेक कारनामे राम काज हित जो श्री हनुमान जी ने किए, तुलसीदास जी ने उनका वर्णन किया है। परंतु आज इस संगीतमय कथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो प्रसंग, जिसके बाद आपको ज्ञान हो जाएगा कि बाला बजरंगबली का नाम हनुमान क्यों और कैसे पड़ा था। तो आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र हनुमान जी की संगीतमय कथा। हो रुद्रवतारी केसर नंदन स्वीकारो हमरा अभिनंदन, नाम थे पाए आओ तुमको कथा सुनाए। कथा श्री हनुमान जी के बचपन की है भक्तों। एक समय सुबह सुबह श्री बजरंगी की आंख खुली तो बहुत तेज भूख लगी हुई थी। माता अंजनी को पुकार रहे हैं, परंतु माता अंजनी किसी आवश्यक कार्य से महल से बाहर गई हुई थी। भूख सहन नहीं हो रही थी बजरंगी से कि तभी झरोके से बाहर दृष्टि पड़ी। उगता हुआ सूर्य था भक्तों, नारंगी आभा आकाश में छाई हुई थी। हनुमान जी ने देखा तो सोचा ये जरूर कोई मीठा मधुर फल है। भूख और तेज हो गई भक्तों, और उसी को खाने का प्रण श्री बजरंगी ने कर लिया। खिड़की पर चढ़े और एक ऊंची छलांग लगा दी सूर्य देव की तरफ उन्हें खाने के लिए। अतुलित बल देखकर त्रिलोकी भी हैरान है, परंतु होनी वो तो होकर ही रहती है भक्तों। आगे क्या घटना घटित होती है बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। ओ मैया अंजनी दीन दिखाई, बहुत जोर की भूख लग आई, सूर्य को फल था जाना, खाऊं इसको मन में ठाना, बाला बजरंगी पवन वेग से उड़ते हुए सूर्य देव की तरफ जा रहे हैं। कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं पा रही है। मार्ग में पहले उन्हें राहु ने रोकना चाहा, परंतु रोक ना पाया। फिर केतु ने रोकना चाहा, वो भी अपने प्रयासों में असफल रहा। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता भक्तों, हनुमान जी ने
सूर्य देव को हाथों में पकड़ा और अपने मुख में डाल लिया। सारी सृष्टि में अचानक अंधकार छा गया, हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे आखिर सूर्य देव गए तो कहाँ चले गए। सभी देवी देवता बाला बजरंग बली के सन्मुख आ गए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि सूर्य देव को मुक्त कर दें। परंतु हनुमान जी तो मुख ही नहीं खोल रहे हैं कि तभी इंद्रदेव वहां आए। क्रोध में उन्होंने अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी की ठोड़ी पर किया। हनुमान जी वज्र के प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिर गए भक्तों। और जब उनके पिता पवन को यह सूचना मिली तो क्रोध में उन्होंने प्राण वायु रोक दी। उनके प्राण वायु रोकते ही सृष्टि में क्या हाहाकार मच रहा है, आइए सुनते हैं भक्तों। ओ ठोड़ी पर जू वज्र थे खाए, भूमि गिरे और थे मुरछाए। देव फिर क्रोध में आए, प्राण वायु फिर रोक दिखाए। प्राण वायु के रोकते ही पशु पक्षी मानव दानव सब लोग श्वास के लिए तड़फने लगे। इधर त्रिदेव पवन देव के सन्मुख आए और उन्हें बड़े प्रेम से समझाया, अपने क्रोध को शांत कीजिए पवन देव, यदि प्राण वायु नहीं छोड़ी तो सारी सृष्टि का अंत हो जाएगा। के तभी बाल मारुति की तंद्रा भंग हो गई, उनकी मूर्छा भंग होते ही वो होश में आ गए। इस पर पवन देव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम से बजरंग बली को समझाया, जिसे समझकर बजरंग बली ने सूर्य देव को मुक्त कर दिया। सृष्टि में फिर से चहुओर प्रकाश छा गया। उनकी टूटी हुई हनु को देखकर भगवान भोलेनाथ ने उनका नामकरण हनुमान कर दिया। श्री हनुमान जी के नाम की जय जयकार सभी देवी देवता करने लगे। सब उनके दर्शन करते और अपनी अपनी शक्तियाँ श्री हनुमान जी को समर्पित करते जाते। तो आइए हम भी श्री हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाते हुए कथा का आगे श्रवण करते हैं। ओ टूटी हनु ने नाम धराया, श्री हनुमान का नाम थपाया। शक्तियाँ दी थी लुटाए,
सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां श्री हनुमान जी को समर्पित की, जिन्हें ग्रहण करके श्री हनुमान जी धरा पर वापस आ गए। हनुमान जी ने जिन सूर्य देव को निगला था उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे शिक्षा दीक्षा धारण कर अनेक अनेक शक्तियां भी प्राप्त की। नारद जी से उन्होंने संगीत की अनुपम शिक्षा धारण की। महावीर हनुमान अब तैयार थे अपने स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के काज करने हेतु, जो अपनी लीला करने धरती पर अवतरित हो चुके थे। उनकी लीलाएं रामचरितमानस में पहले ही वर्णित है भक्तों। तो श्री हनुमान जी के अतुलित बल को शीश नवाते हुए सच्चे हृदय से बोलिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। ओ सूर्य देव को गुरु थे बनाए, शिक्षा दीक्षा उनसे पाए, राम को चंदन तिलक लगाया।